नमस्कार सर जी नमस्कार नमस्कार सर इस बार आ गया टाइम से अरे आप तो बिल्कुल टाइम से आ गए अतुल जी नमस्कार इसलिए हाँ हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं और गुजरात में कैसी बारिश हो रही है अरे एकदम मस्त जोरदार बारिश जोरदार बारिश है नाइस राधे राधे जी राधे राधे अतुल जी सर एक जेम तो स्टोन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का, का क्या हुआ सर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी अगस्त में चालू करूंगा मैं बताना सर आपको ज्वाइन करना आप है करेंगे ना सर आप जो भी करवाते हैं मैं कर ही लेता हूं ना ठीक है ठीक सर दो तीन क्वेरी थी सर अपने जेम स्टोन क्लास के लिए पिछले हाँ, बोलो 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 सर एक तो सर लास्ट में आपने बताया था कि एक से बारह लग्न कुंडलियां बताया उसके हिसाब से आपने

तो उसके लिए कैसा है? नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में बैठे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि नीच राशि में बैठा है या कैसे बैठा है उससे कोई दिक्कत नहीं है या उससे कोई कोई दिक्कत दिक्कत नहीं नहीं है 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 अच्छा पाप पाप ग्रह ग्रह भी बैठा तो? पाप ग्रह बैठा तो अगर पाप ग्रह केंद्रोण त्रिकोण का स्वामी है और वो केंद्र में आके बैठ गया ठीक है ना दो छह आठ बारह में नहीं बैठा उसके अलावा बैठा हुआ है वो नीच राशि में बैठा हुआ है अशुभ ग्रह से पीड़ित हो गया तो भी आप उसका रत्न पहना सकते हैं अच्छा मतलब ने मोटा ने तो 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 मतलब मोटा मोटी अगर देखे तो ओवरऑल मैं अपने केंद्र क्या सजेस्ट करना बारहवे भाव को रूल कर रहे वो प्लान है और हम उसके जेमस्टोन पहना के उसको मजबूत करेंगे हुँ. तो दिक्कत नहीं क्रिएट करेंगे हमारे चाहे उसका प्लेसमेंट अच्छी जगह पे हो नहीं ऐसा है कि देखिये उसमें एक चीज बोली गई है इंपॉर्टेंटली थोड़ी सी कि अगर त्रिकोण के स्वामी ऐसे त्रिकोण के स्वामी जिनकी मूल त्रिकोण राशि छठे आठवें बारहवें भाव में हो ऐसे त्रिकोण के स्वामी जिनकी मूल मूल त्रिकोण राशि छठे आठवें बारहवें भाव में हो उनके रत्नों को अवॉइड करना चाहिए कब जब करना चाहिए जब वहां पे कोई ना ग्रह बैठा हो उस राशि में ना कोई ग्रह उस राशि को देख रहा हो क्योंकि अगर वहां कोई ग्रह बैठा होगा या उस राशि कोई देख रहा होगा तो फल करने की जिम्मेदारी फिर उसकी है फिर उस प्लान की नहीं है मतलब जिस राशि मान लो कि अब जैसे कन्या लग्न है हाँ सपोज तो शनि की मूल त्रिकोण छठे भाव में आएगी आठवें में आ गई वो पंचम का भी स्वामी है हाँ, हाँ वो छठे में आएगी ना सर हाँ छठे में आ गई दस ग्यारह हाँ पांच हाँ है ना और वो पंचम का स्वामी यानी त्रिकोण का स्वामी है इसलिए आ, उसको पहना सकते हैं क्योंकि त्रिकोण है हाँ। ऐसा हम लास्ट टाइम हमारा जो डिस्कशन हुआ था बराबर है। हाँ।, हाँ।, हाँ अब मान लो कि आप ये कहना चाहते हो कि ऐसा हो सके तो उसको अवॉइड करके उसके मंत्र या उसकी जो जड़ पहनाए वो जाद, वो ज्यादा अच्छा रहेगा रिस्क से मतलब रिस्क कम हो जाएगा फिर उसका कुछ छठे भाव का वो जी राइट हाँ मान लो लेकिन उसको कोई ग्रह देख न रहा हो उस छठे भाव को कोई प्लेनेट एस्पेक्ट ना दे रहा तब वो पहना सकते हैं ऐसा आप कहना चाह रहे हैं नहीं 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 मैं ये कहना चाह रहा हूँ देखिये छठे भाव में उसकी मूल त्रिकोण राशि है आ, अगर छठे भाव में कोई ग्रह बैठा होगा या छठे भाव आ, कोई कोई ग्रह देख रहा होगा तो छठे भाव के फल देने की जिम्मेदारी किसकी है जो ग्रह वहां बैठा हो या जो ग्रह वहां देख रहा हो तो इसलिए मैंने बोला है कि अगर छठे भाव में कोई ग्रह ना बैठा हो और ना ही देख रहा हो तब तो आपको रत्न उसका अवॉइड करना चाहिए अदरवाइज अच्छा। हम नीलम पहना मतलब सकते हैं अच्छा।, अच्छा वो ओके ओके मतलब उसको तो कोई प्लेनेट एस्पेक्ट दे रहा हो तब तो पहना सकते हैं या बैठा हो तो दे पहना सकते हैं बिल्कुल पहना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं अच्छा मतलब मैं बोला उससे बिल्कुल उल्टा हाँ मैं उल्टा हाँ। समझा था ओके हां सही सही राशि में अगर कोई नीच ग्रह बैठा या पाप ग्रह बैठा तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता मतलब हाँ। और फिर अपन पन, तो एक गलती के सिवा बाकी सारे सही हैं आप उसको ही रिकमेंड कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कई बार ना लगाने में बड़ी दिक्कत है जैसे मैंने कहा कि त्रिकोण के स्वामी का तो आप आंख मीच के रिकमेंड कीजिए अनलेस की उसकी बूल त्रिकोण राशि छ आठ बारह में ना हो अगर छह आठ बारह में हो तो आप ये देख लीजिए कि वहां पे कोई ग्रह बैठा है या कोई ग्रह देख रहा है अगर ग्रह बैठा है और ग्रह देख रहा है तो उसका रत्न तो आप आंख बीच के रिकमेंड कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसे कन्या रश्मि का एग्जाम्पल दिया कन्या लगन का श्यामल जी ने कि दस नंबर राशि उसकी पांचवें भाव में आती है ग्यारह नंबर राशि छठे भाव में आती है तो उसको दे दीजिए आप अगर ग्यारह नंबर राशि में कोई ग्रह बैठा है या उसको कोई देख रहा है तो उसको नीलम पहना दीजिए कोई दिक्कत नहीं है नीलम फायदा करेगा क्योंकि शनि बैठा होगा कोई प्लेनेट तब भी पहना सकते, ना। बिल्कुल पहना सकते। में भी बैठा तो वहां से को रहा है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। हम पहना सकते हैं जिम्मेदारी फिर उसकी देने की, फिर की नहीं है अच्छा मतलब नहीं हो तब नहीं पहनाना हाँ मूल त्रिकोण राशि ना हो तब नहीं पहनाना बिल्कुल तब अवॉइड त्रिकोण राशि नहीं उसको उसमें कोई प्लेनेट ना हो उसको देखिए आप सर वो, सर वो कुंडली आप लगाओगे ना सर तो थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा सर सर एक चीज पूछनी थी मेरे को सर ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर लोग मतलब मेजोरिटी देखे देखे जाते हैं कि पुखराज पहनते हैं मतलब हुँ. वो सूट करता होगा तभी पहनते हैं सर इसके पीछे क्या कारण है कि पुखराज मेजोरिटी लोगों को सूट करता है आप पुखराज देखिए पुखराज पहन लेते हैं नॉर्मली क्या होता है देखिए जुपिटर जो है वो सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माना जाता है जुपिटर को सबसे ज्यादा शुभ ग्रह मानते हैं तो जुपिटर का रत्न अगर आपने पहन भी लिया और वो अच्छे भावों का स्वामी नहीं है तब भी वो इतना नुकसान नहीं करता लेकिन पुखराज ऐसे नहीं पहनना चाहिए मैं, मैं हमारे जो गुरुजी कहते हैं या जो भी हम लोगों का रिसर्च है उसके हिसाब से तो ये है कि छठे आठवें बारहवें भाव में बैठे ग्रह के रत्न आपको नहीं पहनने चाहिए दूसरे भाव में बैठे ग्रह के रत्न आप पहन सकते हैं सब्जेक्टिव की दशा आने पे उसको निकाल दें इसलिए हमने दूसरा भी मना कर दिया है तो जो रतन हमने बताए आपको वो प्रॉपर केयर लेके बताए कि दूसरा छठा आठवां बारहवें भाव में ग्रह बैठा हो उसके रतन ना पहनो अब मैं आपको हाँ एक मैं आपको दिखा देता हूँ कुंडली कुंडली दीग से आपको आइडिया लग जाएगा सर आपके पास कृपांश की कुंडली होगी आप वो लगाओगे तो परफेक्ट उसमें है कृपांश की भी है बल्कि वो क्या नाम है जो मेरे बेटी की कुंडली है ना वो भी आ, हाँ। कन्या लगन की है हाँ। नहीं मतलब इसलिए है कि उसमें क्या है बारहवें भाव में उसका लग्नेश गया हुआ है ना मैं एक बार चेक एक करता हूँ कृपांश की है तो कृपांश ही लगा लेते हैं एक सेकंड उसमें क्या है कि जो सैटर्न है उसकी प्लेसमेंट भी केंद्र में है दसवें हाउस में है और बारहवें में लग्नेश है तो वो सीधा छठे को एस्पेक्ट दे रहा है हाँ ये देखिए अब इस कुंडली में अतुल जी क्या कंफ्यूजन है आपका पहले आप बताइए सर जैसे कोई मूल त्रिकोण राशि में है, जैसे अपने लग्न में पंचम में नवम में अगर कोई पाप ग्रह बैठे हो या कोई नीचे राशि के ग्रह बैठा हो तो उसके लिए क्या सजेस्ट उससे है? कुछ कुछ नहीं फर्क पड़ता उससे अच्छा। अगर हाँ अगर जैसे ये बुद्ध की छह नंबर राशि मूल त्रिकोण राशि है यहाँ पे शनि बैठा हुआ है तो क्या करना है आप जी आपको तो बुद्ध का रत्न बताना है ना शनि का रतन थोड़ा ना बताना है अच्छा प्लैनेट के नहीं बताना सिर्फ मतलब मूल त्रिकोण हाँ, राशि के है हाँ, आपने खाली प्लेनेट के लिए रत्न बताना है ना आपने तो ये कुंडली देख ली है फिर बताना है कि सूर्य का रत्न पहन सकता है नहीं पहन सकता चंद्रमा का पहन सकता है नहीं पहन सकता अब जैसे ये है इनके केस में है ये श्यामल जी की बेटे कुंडली है इसमें दस नंबर राशि आपकी पांचवें भाव में है ग्यारह नंबर राशि मूल त्रिकोण राशि जो है शनि की छठे भाव में है तो हमने कहा, कहा कि जिस त्रिकोण का स्वामी है लेकिन उसकी मूल त्रिकोण राशि छठे आठवें बारहवें भाव में हो तो उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए पहना सकते हैं बिल्कुल पहना सकते हैं नीलम इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है बशर्ते कि महादशा में आप उसको उतरवा दें बस अदरवाइज रिकमेंडेशन ये है ऐसे केस में आप ना पहनाएं जहां पे मूल त्रिकोण राशि छठे आठवें बारहवें भाव में आ गई उस केस में पहना सकते हैं जब उस राशि को कोई या तो देख रहा हो या वहां कोई बैठा हो देखो यहाँ कोई बैठा तो है नहीं ग्रह लेकिन बुद्ध इसको देख तो रहा है बारहवें भाव से तो बुद्ध देख रहा है तो इस भाव के फल बुद्ध करेगा शनि तो नहीं मंगल करेगा मंगल तो भी देख रहा है मंगल भी देख रहा है तो बुद्ध और तो मंगल की ड्यूटी हो गई इस भाव के फल करने की शनि की ड्यूटी नहीं है इस भाव के फल करने की अगर बुद्ध और मंगल इस भाव को ना देख रहे होते तब शनि की ड्यूटी होती इस भाव के फल करने की तो शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल ज्यादा देता और छठे भाव से संबंधित रोग ऋण वगैरह की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा होती तब तो ठीक था लेकिन जब ये देख रहा है तो इन दैट केस नीलम पहना सकते हैं एंड यू कैन गो फॉर नीलम विदाउट एनी प्रॉब्लम श्यामल हाँ बिल्कुल आराम से पहना सकते हैं और नीलम उसको फायदा करेगा आप आप बोल बोल लीजिए लीजिए मेरा ये पूछना है मानो कि यहाँ पे हमने वो पहना है वो फायदा करेगा तो वो कौन से फील्ड में करेगा मतलब पंचम भाव में फायदा करेगा सष्टम में वो जो दुश्मन पे विजय या जो डेथ है उससे बाहर निकलना वो या सब चीज निकालेगा वो पांचवे भाव का भी फल स्पेशली करेगा छठे भाव का फल भी वो करेगा जहाँ दृष्टि है उन भावों के भी शुभ फल करेगा और दसवें में बैठा है उसका भी वो देखेगा उसका भी शुभ फल करेगा प्रोफेशन का भी करेगा ये आपको मतलब शनि इवन मैंने अपने बेटे को भी बनाया हुआ है उसको भी आ, उसका भी सेम केस है यही लगन की कुंडली है उसकी लेकिन उसका भी छठे भाव को कोई ग्रह देख रहा है

तीसरे का तो पहन सकते हैं ना महादशा बिल्कुल पहन सकते हैं आप तो, में पहन सकते हैं हाँ बिल्कुल पहन सकते हैं दूसरे और सातवें भाव का स्वामी अगर इकट्ठा कोई है तो उसका नहीं पहनना आपने मतलब वो सेमी है तब ऐसा हाँ सेम स्वामी है जैसे मगर मेष लगनी, लगनी को सॉरी मेष लगनी कुंडली में शुक्र दूसरे का भी स्वामी होता है सातवें का भी स्वामी होता है उसका रत्न आप हाँ बिल्कुल नहीं बनाएंगे ओके ओके सरब जैसे इसी वो एक्टिव हो इसलिए दोनों हाँ। सरब जैसे इसमें नवे भाव के स्वामी शुक्र हैं और दूसरे भाव के स्वामी भी शुक्र हैं मूल त्रिकोण सेकंड में है हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर शुक्र की पोजीशन शुक्र की पोजीशन दूसरे छठे आठवें बारहवें भाव में ना हो तो आप बिल्कुल पहनाइए इसका ठीक है और वैसे भी तो सर यहाँ पे चाहे मूल त्रिकोण लेकिन त्रिकोण आ गया तो आपने बोला था ना कि त्रिकोण है तो फिर बिल्कुल भी पहना सकते हैं तो क्योंकि लगन का मित्र हो गया ना वो त्रिकोण है तो लगन का मित्र हो गया तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं और उसकी प्लेसमेंट देख भी तो भी अच्छी है तब भी वो चलेगा हाँ। जैसे अभी आपने बताया कि दूसरे भाव का भी स्वामी मतलब पे शुक्र आता है कुछ दूसरे छठे और आठवे भाव के स्वामी का मतलब स्टोन सजेस्ट नहीं करना तो पे ये देखिए ना ये मैंने मेष लगन बना दिया इस केस में दूसरे भाव का स्वामी शुक्र हो गया और सातवें भाव का स्वामी शुक्र हो गया Yes, तो ये मेष लगन में आपको ये शुक्र का रत्न नहीं पहनाना भले ही शुक्र जो है वो केंद्र में बैठा हो या कहीं भी बैठा हो त्रिकोण में बैठा हो कहीं बैठा हो मारा के। अगर कोई प्रॉब्लम हो, हो ना हाँ अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैंने आपको रेमेडी वो पीडीएफ लिख के भेजा है उसके अंदर ठीक है आप देख के बिल्कुल बता सकते हैं उससे. आप दो चार बार ट्राई कीजिए आपको समझ आ जाएगा फिर भी आपकी क्वेरी रह जाए तो फिर मुझसे पूछेगा आप क्या ना जब okay. तक कुंडली नहीं बनाएंगे अपने आप से अपने आप से हाथ से कुंडली बनाइए फिर आंख मीच के लिखिए कि कौन कौन सा रत्न आप पहन सकते हैं कौन कौन सा नहीं पहन सकते हैं और जो आंसर मैंने इसमें पीडीएफ में दिए हुए हैं फिर उनसे मैच कीजिए मैच कीजिए पता पता करिए क्यों इसका आ रहा है क्यों नहीं इसका आ रहा जब वो आप देखेंगे फिर आप अपनी क्वेरी लेकर आइए साहब के मेष लगन में ये प्रॉब्लम आ रही है या वृषभ लगन में ये प्रॉब्लम आ रही है उस कुंडली में प्रॉब्लम आ रही है अभी जो पूछ रहे हैं आप बिल्कुल जनरल पूछ रहे हैं तो वो समझ नहीं आ रहा है एक्जेक्टली किस तरीके से आपको मैं समझाऊं ठीक है okay. तो कुंडली बना के आप एक बार देखिए और उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे वो किसी भी क्लास में कर सकते हो आप जो भी क्लास में करना चाहो वो डिस्कस कर सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर वैसे ये जो है वैसे आ, हम क्या बोलते हैं ये रुद्राक्ष का भी आएगा ना सर रुद्राक्ष का भी है हाँ रुद्राक्ष का भी है वो भी प्लेनेट के हिसाब से हम एक मुखी दो मुखी इस तरह से सजेस्ट कर सकते हैं ना बिल, बिल्कुल, बिल्कुल 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 वो सब चीजें आपको बताऊंगा मैं कोई चीज नहीं छूटेगी इसके अंदर आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अंतरदशा के देखिए अंतरदशा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ये हम पहले ही बता चुके हैं कि दशा महादशा इंसान की प्रकृति को चेंज करती है और फल देने वाली होती है अंतरदशा। तो अगर किसी को अंतरदशा किसी का अच्छा नहीं है आप कुछ भी नहीं बता पाते उसको तो आप उसको अंतरदशा के मंत्र बता दीजिए अंतरदशा का कोई उपाय बता दीजिए दान बता दीजिए तो ही काम चल जाता है आपको अगर कुछ भी याद नहीं आ रहा कि भाई मैं क्या इसको रतन बताऊं क्या मैं इसको मंत्र बताऊं या मतलब क्या से जब बताऊं तो उसको केवल अजपा जब होते हैं जो हमने बताए पीछे आपको छोटे छोटे के सूर्य चंद्रमा का ओम सोम सोमाय नमे है सूर्य का ओम गणेश सूर्याय नमे है तो ऐसे करके भी मंत्र आप उनको बोल सकते हैं अंतरदशा का मंत्र तो आप किसी को भी बोल सकते हैं कि भाई अंतरदशा आपकी ये इस ग्रह की चल रही है तो आप अंतरदशा में ये वाले मंत्र कर लीजिए आपकी अंतरदशा सही निकल जाएगी ये तो आप किसी को आंख बीच के भी बोल सकते हैं और चूंकि अंतरदशा ही फल देने वाली होती है लेकिन अंतरदशा में भी अगर अंतरदशानाथ कुछ ऐसे स्थानों पर बैठा है जहां के प्रॉब्लम है तो उस केस में तो बिल्कुल ही करना चाहिए अदरवाइज आपके पास कोई आए और आपके बोले कि साहब देखिए सिंपल सी बात है कि अंतरदशा नाथ से संबंधित क्वेश्चन ही उसका होता है जिस ग्रह की अंतरदशा चल रही होती है नॉर्मली आदमी का क्वेश्चन उससे संबंधित होता है सत्तर परसेंट केसेस के अंदर 30 केसेस में अलग हो सकता है उसका कैसे बताना है वो मैं आपको बताऊंगा वो भी इसी क्लास में बता दूंगा लेकिन 70 परसेंट केसेस के अंदर जो आदमी आपके पास आएगा जिसकी अंतरदशा चल रही है उससे संबंधित कुछ ना कुछ चीज प्रॉब्लम होगी या जिसकी दशा चल रही है उससे संबंधित कुछ ना कुछ, कुछ, कुछ प्रॉब्लम होगी शनि की दशा चल रही है तो हो सकता है वो थोड़ा बीमार बीमार से चल रहा हो महादशा चल रही है शनि की तो थोड़ा स्लो चल रहा हो सूर्य की दशा चल रही है और सूर्य अच्छा ना हो तो हो सकता है कि वो अनुशासन में ना हो थोड़ा गुस्से वाला हो प्रॉब्लम उसको हो तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम उसको होंगी जो दशा से रिलेटेड होंगी तो अंतरदशा का बहुत अच्छा रोल है अंतरदशा का मंत्र या अंतरदशा का दान आप बिना बिना किसी उसके बता सकते हैं लेकिन उनकी भी कुछ पोजीशन है अगर नाथ किसी स्पेशल स्थानों पे हो तो तो आपको बिल्कुल ही बताना चाहिए तब तो आपको बिल्कुल रोकना ही नहीं चाहिए देखिए ब्यूट कर लीजिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ आप लोगों को इसके बारे में एक बहुत अच्छा शास्त्रों में श्लोक दिया है कि सूर्य की अंतरदशा में अगर सूर्य की ही अंतरदशा हो सूर्य की दशा में और सूर्य की अंतरदशा हो मतलब महादशा हो सूर्य की और अंतरदशा हो सूर्य की तब क्या करना है आपको आपके पास कोई कुंडली आई आपने देखा कि इस बंदे की सूर्य की महादशा चल रही है और सूर्य की ही अंतरदशा चल रही है तो आपको क्या देखना है आपको देखना है उसके लिए श्लोक में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि सोचे स्वभे स्थित सूर्य लाभे केंद्र त्रिकोण स्व दशायाम भुक्तो भुक्तों धन धन्यादि लाभग्रत वो कहते हैं कि सूर्य यानी अंतर दशनात अगर केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में हो स्व राशि में हो तो धन्य धान्य का लाभ होता है ऐसा बोला गया है लेकिन नीचे वो बोलते हैं कि नीचा दिया शुभ राशि विपरीत फलम दिशेत और द्वितीय दुन नाते मृत्युम वदेत मतलब कि अगर नीच राशि में हो और अशुभ स्थान में हो सूर्य अशुभ स्थान कौन से है छह आठ बारह जो बताए आपको नीच राशि में हो और अशुभ स्थान में हो तब तब वो कहते हैं कि विपरीत फल होते हैं यानी धन आदि का नाश होता है फिर ये कहता है कि नाते द्वितीय का मतलब होता है कि द्वितीय भाव का और सप्तम भाव का स्वामी अगर सूर्य है अंतर्दशानाथ यहां सब अंतर्दशानाथ की बात चल रही है ये ध्यान रखिए अगर अंतरदशानाथ सूर्य सेकंड भाव का और सप्तम भाव का स्वामी है तो उसकी अंतरदशा के समय अपमृत्यु या मृत्यु सदृश कष्ट होता है बहुत मृत्यु कारक कष्ट होता है मृत्यु भी हो सकती है अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो उस दोष के परिहार के लिए सूर्य की प्रसन्नता हेतु आपको मृत्युंजय का जब करना पड़ेगा सवा लाख प्लस टेन परसेंट एक्स्ट्रा पैंतीस हजार आपको इतने जब ये करने पड़ेंगे मिनिमम तो पैंतीस हजार है मैक्सिमम आप सवा लाख प्लस टेन परसेंट कर सकते हैं मिनिमम पैंतीस हजार जब आप करेंगे या सूर्य की पूजा करेंगे तब आपको शांति मिलेगी तो किसी भी कुंडली में अगर आप ये देखते हैं कि सूर्य बुरे स्थानों में है नीच राशि में है तो उस केस में या द्वितीय भाव का स्वामी है या सप्तम भाव का स्वामी है तो उसकी अंतर्दशा में बिल्कुल उसे कहिए कि भाई महामृत्युंजय का जाप करा दीजिए आपके लिए अच्छा रहेगा तो ये था सूर्य में सूर्य की अंतरदशा का पद अब सूर्य में चंद्रमा का आ जाए तब क्या होगा किसी की दशा तो वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है उसके लिए वो कहते हैं कि छीणे वे पाप संयुते दार पुत्रापीड़नम वैषम्यम जनसंवादम भ्रत्य वर्ग विनाशनम वो कहते हैं कि चंद्रमा क्षीण हो पाप संयुते, पाप ग्रहों से युक्त हो तो जातक को दार पीडनम, दार मीन्स दारा मीन्स स्त्री और पुत्र की पीड़ा होती है चंद्रमा छीण हो कुंडली में सूर्य के आसपास हो पाप ग्रहों से युद्ध हो तो जातक को स्त्री पुत्र को पीड़ा होती है विवाद होता है राजा से विरोध होता है धन धान आदि का नाश होता है फिर वो कहते हैं षष्टा अष्ट वे चंद्रे जल भीति मनोरुजम दूर स्थानम बंधन रोग पीड़ा चय स्थान विच्युति कारकम ये बहुत बढ़िया श्लोक है इसमें कहते हैं कि चंद्रमा यदि लगन और दशापति से यहां दोनों चीज से देखिए आपको देखना है लगन से भी और दशापति से भी अगर चंद्रमा लगन से और दशापति से यानी सूर्य से जिसकी महादशा चल रही है उससे छह आठ बारह स्थान में हो तो जल का भय मानसिक व्यथा बंधन जेल हो सकती है रोग से पीड़ा हो सकती है स्थान नाश हो सकता है गलत स्थान में आप जा सकते हैं गलत भोजन आप खा सकते हैं चोर का भय आपको हो सकता है राजा का कोप आपके ऊपर हो सकता है और मूत्र आदि कष्ट आपको हो सकते हैं शारीरिक कष्ट आपको हो सकता है कितनी चीजें हैं अगर चंद्रमा लग्न या दशापति से छह आठ बारह में हो तो आपकी घंटी एकदम बच जानी चाहिए किसी का कि भाई चंद्रमा लग्न से छह आठ बारह में है और उसकी दशा आ गई या दशापति से छह आठ बारह में है उसकी दशा आ गई तो एकदम घंटी बज रहा है और फल ये वाले मिलेंगे और साथ में अगर बाईचांस अगर चंद्रमा द्वितीय या सप्तमेश हो तो, तो वो मृत्युप्रद होता है तो इसलिए उसकी शांति के लिए श्वेत गौ का दान करना चाहिए या महिषी का दान करना चाहिए महिषी मीन्स भैंस का श्वेत गौ या महिषी का दान करना चाहिए यदि संभव न हो तो चावल दूध आदि का अनाथ आश्रम में दान कर दें या चंद्रमा का जाप करें और चावल दूध अनाथ जो आदि आप अनाथ आश्रम में दान करते हैं अनाथ आश्रम में ही करना है आपने वो भी कोशिश करें अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो गऊ के मूल्य के बराबर या भैंस के मूल्य के बराबर कर दें क्योंकि गऊ और भैंस तो आपको अब दान करने में किसको दान करें कैसे दान करें बड़ी दिक्कत होती है तो उस केस में उसका मूल्य दान कर सकते हैं या वैसे कहीं आपके गौशाला वगैरह हो तो वहां पे आप गऊ दान कर सकते हैं मूल्य दान कर दीजिए वो गऊ ले लेते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो ऐसे करके कर सकते हैं और अगर आप नहीं कर सकते आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उस केस में जो दान बताए हैं जिन वस्तुओं के वो दान करें अनाथ आश्रम में और चंद्रमा का जाप करें तो ये प्रॉब्लम खत्म होती है सूर्य में मंगल मंगल के बारे में बहुत अच्छी बात बोली गई है मंगल के बारे में बोला गया है कि दाय शात पापेर युक्ते चय विक्षिते अधिपत्य बल हिरने क्रूर बुद्धिम मनोरजम कहता है कि मंगल यदि लग्न या दशा अधिकारी से लग्न से या दशापति से दशापति कौन है सूर्य देखिए यहां पर मैं आपको बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जब भी अंतर दशा देखें आप तो ये भी देखें कि दशापति से कहा बैठा हुआ है कि दशापति से छह आठ बारे में तो नहीं क्योंकि हम लोग चेक भी करते हैं आपको ध्यान ही है कि छह आठ का एक्सेस देखते हैं दो बारह का एक्सेस देखते हैं वो तो हम देखते ही हैं लेकिन फिर भी देखते वक्त आपको कुंडली में देखना है कि मंगल यदि लग्न से या दशा अधिकारी से आठ बारह भाव में बैठा हो पाप ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो तो उसकी अंतरदशा में क्रूर बुद्धि मानसिक व्यथा कारावास में प्रवेश बंधु नाश भाइयों में विरोध होता है एवं कार्य नाश होता है जो कार्य आप करने जा रहे हैं उस कार्य का नाश होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मंगल के लिए ये ध्यान रखना है आपको और मंगल यदि नीच राशि का हो या दुर्बल हो मंगल के केस में वो भी देख लीजिए कि नीच राशि का हो या दुर्बल हो तो उसकी दशा में जातक को राजा से धन का नाश मिलता है राजा से धन का नाश मिल्स से गवर्नमेंट से धन की प्राप्ति नहीं होती इस तरह की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है तो ऐसे केस में जरूर दानवान करना चाहिए और मंगल अगर द्वितीय या सप्तमेश हो तो शारीरिक व्याधि मानसिक रोग हो जाता है हंड्रेड परसेंट ये आप देख के रखिएगा किसी भी कुंडली के अंदर और मृत्यु कारक कष्ट होता है तो ऐसे केस में वेद पाठ वेदों के पाठ कराने चाहिए किसी योग्य ब्राह्मण से श्री सुक्त का पाठ कराना चाहिए पुरुष सुक्त का पाठ होता है या मंगल का जाप कराना चाहिए या लाल मसूर का तप कर दान करना चाहिए वृषो सत्य बैल जो बोलते हैं उसका भी दान आप कर सकते हैं बैल का दान अगर आप करें तो भी आपको आयु आरोग्य और कार्यों में सफलता मिलती है ये सारे दान हैं, जो बताए गए हैं इनके लिए शास्त्रों में इनका आपको करना है आर्थिक स्थिति अच्छी है तो इसी प्रकार से कीजिए नहीं अच्छी है तो उनकी जो वस्तुएं हैं उनका दान आपको करना है सूर्य में राहु की अंतरदशा अगर हो तो क्या होता है सूर्य में राहु के लिए बहुत अच्छा बोला गया है के दाय शादस दुष्प्रंदे रंध्रे व बल वर्जित बंधनम स्थान नाशस्य काराग्रह निवेश बोला गया है कि दशापति से या लगन से देखिए दशापति का बहुत रोल है दशापति से या लगन से राहु आठवें या बारहवें भाव में हो तो बंधन स्थान नाशस्य स्थान नाश काराग्रह निवेशनम काराग्रह में प्रवेश होता है फिर कहते हैं चौराहा दार पुत्रादिपीति वर्धनम चतुष्पा जीवन ग्रह क्षेत्र आदि नाशनम इसमें क्या बोलते हैं कि स्त्री पुत्रादि को कष्ट होता है साथ में पशु चौपायो आदि का नाश होता है इस तरह की प्रॉब्लम होती है और राहु अगर दूसरे या सातवें स्थान में हो किसी कुंडली में या दूसरे या सातवें स्थान के स्वामी के साथ हो तो ऐसे केस में दुर्गा का पूजन करना चाहिए नवचंडी पाठ करना चाहिए शतचंडी पाठ करें दुर्गा सप्शती करें या छाग बकरे का दान करें बकरा जो देते हैं आजकल तो वैसे बलिप्रसाद तत् खत्म हो गई है लेकिन अभी भी कुछ जगह पे बिहार साइड में या कई जगह पे बकरा ये सब चीजें दी जाती हैं तो बकरे का दान करें कृष्णा गौ यानी काली गाय दें या भैंस का दान करना चाहिए ऐसा करने से निश्चित रूप से सुख एवं शांति की प्राप्ति होती है यह बताया गया है राहु की दशा के अंदर अगर राहु इस तरह से आपका प्लेस्ड है सूर्य में गुरु की दशा हो यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट है सूर्य में गुरु की दशा हो तो क्या करना चाहिए ये कहते हैं दायशा द्रिपुरंगस्ते नीचे व पाप संयुते दार पुत्रा पीड़ा चाहे देह पिदा महद भयम मतलब कहते हैं कि दशापति से या लग्न से रिपु रस्ते छठे आठवें बारवें भाव में अगर बैठा हो कौन गुरु सूर्य से बैठा हो और या लगन से बैठा हो छठे आठवें बारवें में और नीच राशि में हो जाए पाप ग्रह के साथ हो जाए तो उसकी दशा में स्त्री पित्र को पीड़ा होती है राजकोप होता है पाप वो लादी पाप कष्ट होते हैं पीड़ा होती है अभिष्ट कार्य का नाश होता है कुकर में प्रवृत्त होने के कारण आप धन का नाश कर देते हैं देह भ्रष्ट होती है और मानसिक अशांति होती है इस तरह की प्रॉब्लम आपकी होती है तो इसी प्रकार बृहस्पति अगर द्वितीय या सप्तमेश हो तो उसके अंदर भी कारक कष्ट होता है तो ऐसे केस में स्वर्ण दान करना चाहिए या कुल देवी देवता आपके जो बने हुए हैं आप मानते होंगे हर किसी के कुल देवी देवता होते हैं उनकी पूजा करनी चाहिए या काले गाय काली कपिला काले रंग की गोदान करने से हंड्रेड परसेंट आरोग्यता की प्राप्ति होती है सूर्य में गुरु की दशा हो सूर्य में शनि की दशा हो तो दशापति या लगन से आठ बारे में देखिए इसके अंदर भी वही दशापति या लगन से आठ बारे में है सूर्य से शनि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूर्य में गुरु के बाद सूर्य से शनि आता है और शनि के लिए कहा गया है दायशादस्ते चंद्रस्ते व्यय व पाप संयुते यानी दशापति से या लग्न से रंद्र भाव में हो व्यय भाव में हो या रिपु भाव में हो छठे भाव में हो वात शूल महाव्यादि जर आति सार पीड़नम ऐसे में वात शूल की पीड़ा होती है ज्वर आदि होता है अतिसार की पीड़ा होती है फिर कहते हैं बंधनम कार्य हानिश्च वित्त नाशो महादयम अकस्मात कलयश्चय दयाज विग्रह यानी बंधन प्राप्त होता है कार्य की हानि होती है वित्त का नाश होता है महाभय रहता है अकस्मात कलह होनी शुरू हो जाती है तो सूर्य में शनि की दशा में ये सब चीजें प्रॉब्लम होती हैं और नीच के फल भी शनि के ऐसे ही होते हैं और शनि अगर द्वितीय या सप्तमेश हो तो उसकी अंतरदशा में मृत्यु कारक कष्ट होता है ऐसे केस में अनिष्ट फल की शांति हेतु काली गाय या भैंस का दान करना चाहिए या आप बकरे का दान कर सकते हैं छाग दान जो होता है बकरा होता है या नहीं कर सकते तो महामृत्युंजय जब कराइए जो मैंने बताया आपको सवा लाख प्लस टेन परसेंट अगर वो भी नहीं कर सकते तो पैंतीस हजार महामृत्युंजय जब कराइए और वो भी नहीं कर सकते तो फिर आपके पास दान के सिवा दान जो है वो आप करें और मंत्र जो अजपा जप है वो आप करें सूर्य में बुद्ध इसके बारे में भी श्लोक बहुत क्लियर है बड़े ही सिंपल वे में उन्होंने दिया है कि लगन से या दशापति से लगन और दशापति से बुद्ध यदि छठे आठवें बारहवें भाव में हो नीच राशि में हो या नीच राशि में हो तो शारीरिक पीड़ा मानसिक चिंता एवं स्त्री पुत्र को कष्ट होता है देशांतर गमन होता है और बुद्ध अगर द्वितीय या सप्तमेश हो तो देह पीड़ा होती है और ये मृत्यु कारक कष्ट देता है अगर बुद्ध द्वितीय या सप्तमेश हो देखिए सेकंड लॉर्ड सेवंथ लॉर्ड का बड़ा इसमें दिया हुआ है कि इनकी दशा हो बुद्ध लगन से या दशापति से छह आठ बारह भाव में बैठा हो तो आपको शांति उपाय करना ही चाहिए क्या उपाय करना चाहिए मानसिक शांति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए अन्न दान करना चाहिए या विष्णु भगवान की चांदी की प्रतिमा बना पर दान करनी चाहिए ये काम आप करेंगे तो बुद्ध अगर आपका लग्न या दशापति से छह आठ बारह भाव में हो या द्वितीय या सप्तम भाव का स्वामी हो तो उसके कष्टों से आपको बिल्कुल दशा में मुक्ति मिल जाएगी उसके बाद आता है सूर्य में केतु के अंतर्दशा का पल केतु के बारे में उन्होंने बहुत ही सिंपल वे में कहा हुआ है सूर्य में केतु में केतु यदि दूसरे सातवें स्थान में हो इसमें एक चीज छूटी है वो ध्यान रखिएगा कि लगन से या दशापति से केतु आठवें बारहवें भाव में हो लगन से या दशापति से केतु आठवें और बारहवें भाव में हो या केतु दूसरे और सातवें स्थान में हो या उसके स्वामी के साथ हो तो मृत्यु कारक कष्ट होते हैं उनकी शांति के लिए दुर्गा जी का अनुष्ठान करना चाहिए सहस्त्र चंडी करनी चाहिए जप करना चाहिए या बकरे का दान करना चाहिए केतु यदि लगन या दशापति से आठवें बारवें भाव में हो या दूसरे सातवें स्थान में हो और उसके या उसके स्वामी के साथ युद्ध हो तो उसकी दशा में आपको अंतर दशा में जरूर पूजा पाठ कराना है जो इसके अंदर बताया गया सूर्य में शुक्र का जो बोला गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बोला गया है कि सष्ट मस्त व्यय शुक्रे दायशाद शाद बल वर्जित सस्ता अष्टव्यय यानी छठे भाव में आठवें भाव में या व्यय भाव में लगन या दशापति से शुक्र छठे आठवें बारहवें भाव में हो बल वर्जिते और बल रहित हो मतलब पाप ग्रह देख रहे हो उसको कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी दशा में क्या होता है राजकोपो मन क्लेशे पुत्र श्री नाशनम राज क्लेश होता है पुत्र स्त्री के धन और धन का नाश होता है शुक्र यदि द्वितीय या सप्तमेश हो तो शारीरिक कष्ट एवं रोग होता है और सष्टेश अस्मे से युद्ध हो तो अप मृत्यु का भय होता है तो ऐसे केस के लिए महापृत्युंजय का जप बताया गया है श्वेत गौ महिषी का दान अनुष्ठान या रुद्राभिषेक या अनुष्ठान रुद्रा करने से शंकर भगवान की प्रसन्नता से सुख शांति की प्राप्ति होती है अगर शुक्र की अंतरदशा इस तरह की चल रही है सर इसमें ये जो ये जो है वो, वो लग्न से या लग्नेश भी देखना है इसमें लगन से या दशापति से मैडम लग्नेश कहीं उससे नहीं देखना है ना? नहीं लग्नेश से नहीं देखना क्योंकि हम लोग वैसे भी श्यामल जी जो देखते हैं ना वो यही देखते हैं कि लगन से छठे आठवें बारहवें भाव में गया है ग्रह कहां गया है तो लगन से एंड दशापति से ये जरूर देखना है आपको ये देख के चलेंगे तो आपका बिल्कुल जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगी और दूसरा और सातवां स्थान ये आपको ध्यान रखना है राहु केतु के लिए दूसरे स्थान के स्वामी हो या उनके साथ बैठे हो तो भी आपको जप कराना बहुत जरूरी है ये हमारा होता है सूर्य में सूर्य की अंतरदशा का फल सर एक में हाँ सर जैसे अभी आपने ये बताया लग्न से या दशा पति से जैसे छठे आठवें भाव बारहवें भाव में या दूसरे और सातवें भाव में अगर है, तो ये जो नियम है वो तो सभी के लिए सभी ग्रहों के लिए लागू रहेगा किसी पर्टिकुलरली सूर्य के लिए नहीं नहीं सभी ग्रहों के लिए लागू रहेगा मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ धीरे धीरे दशापति से हल्को मान लिया मंगल की दशा महादशा हो और उसमें चंद्रमा की अंतर दशा हो तो वहां भी आपको ऐसे ही देखना है मतलब okay. ये जनरल नियम से ऐसा देख सकते ये तो जनरल नियम तो है कि आपको ये तो लगाना ही है कि दूसरा और सातवां भाव और महादशापति से और लगन से छह आठ बारह पाप ग्रह के लिए आपको याद रखना है कि लगन से और दशापति से आठ बारह और शुभ ग्रह के लिए लगन और दशापति से छह आठ बारह जो मैंने इसके अंदर बताया आपको वो आप ध्यान रखिए दशापति दशमेश दशापति मीन जिसकी महादशा है अच्छा जी और किसी को समझना आया क्लियर स्वास्थ्य का थोड़ा आगे बढ़ते हैं दूसरी दशा पे लेकिन उससे पहले आपको मैं एक दो चीजें बताना चाहता हूं क्योंकि जो क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आते रहते हैं हालांकि आपके दिमाग में आने चाहिए बट मैं थोड़ा अपने दिमाग में लेके आता रहता हूँ जब भी पीपीटी बनाता हूं तो मैं उनको भी नोट कर लेता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन बाई चांस याद हो बाद में आए तो वो आपके मन से निकल जाए जैसे एक है कि देखने के बाद लगता है कि भाई दान जो है इक्वलन टू काउ दान या मेल गोट दान या आज की डेट में बकरे बकरे के आज के या गाय का दान ऐसे वर्ल्ड में बड़ा मुश्किल है तो उसके लिए आप उसकी मनी इक्वल टू वैल्यू ऑफ काउ और मेल गोट दान कर सकते हैं अच्छा ये डोनेशन देने किसको है नॉर्मली आपको डोनेशन जो है मेक डोनेशन टू ए प्रीस्ट इन द टेम्पल और डोनेट इन ऑर्फेस्ट और डोनेट इन ब्लाइंड आश्रम बट डोनेट डोनेशन ऑफ जुपिटर मून, और मरकरी, गुरु चंद्रमा शुक्र और बुध, इनकी डोनेशन श्यामल जी को यार मुझे देनी चाहिए ब्राह्मण को देनी चाहिए ओनली डोनेशन ऑफ सटन राहु और केतु कैन बी डन टू एवीस ये डोनेशन कोई देता नहीं लेने के लिए सर

ये और हम ले लेते हैं चंद्रमा की अंतर दशा में क्या कहते हैं चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा की अंतर दशा हो अब सूर्य की महादशा में डिफरेंट ग्रहों की अंतर दशा का हमने पढ़ लिया अब आते हैं कि चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा की ही दशा हो तो क्या होता है वो कहते हैं पाप युक्ते अथवा चंद्र नीचे वृक्ष दे तत्काले धन नाशे सुति वे व यानी चंद्रमा नीच में हो पाप युत हो लगन या दशापति से छह आठ बारह भाव में हो जैसे उसके अंदर बताया था पीछे यही ध्यान रखना है आपको तो उसकी अंतशा में धन का नाश स्थान का नाश आलस्य मानसिक रोग हो जाता है राजा और मंत्रियों से वैर भाव यानी आपके ऑफिस में आपके बॉस से आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी मात्र कष्ट माता को कष्ट होगा मन में दुख बंधन एवं बंधुओं का नाश होगा और यदि चंद्रमा द्वितीय या सप्तमेश हो या छे आठ बारह के स्वामी से युद्ध हो यहां पर यह भी ध्यान देना है द्वितीय या सप्तमेश हो या छह आठ बारह के स्वामी के साथ बैठा है और ऐसे चंद्रमा की अंतरदशा है तो देह में जड़ता स्थान भंग व अपमृत्यु का भय होता है और उसके अरिष्ट चमन के लिए सफेद गाय या महिषी का दान करना चाहिए गौर महिषी का दान तो बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है चंद्रमा में मंगल की दशा तो हो का मतलब क्या हुआ भैंस भैंस का दान कर सकते हैं आप मंगल के लिए बताया गया है यदि मंगल आठ और बारह में हो दशापति से आठ बारह में हो और लगन से आठ बारह में हो तो शत्रु से दृष्ट हो तो शारीरिक कष्ट होता है ग्रह क्षेत्रों में हानि होती है व्यवहार में क्षति होती है नौकरों से कलह होती है राजा से विद्रोह होता है ये सब चीजें होती हैं इसके अंदर जो इसमें लिखी हुई हैं सदैव कटु भाषण होते हैं क्षण क्षण में आदमी को क्रोध का आगमन होता है और दूसरे और साथ का स्वामी होकर अगर मंगल आठवें भाव में बैठ जाए तो तो वो बिल्कुल ही बंटाधार कर देता है और दूसरे साथ का स्वामी अगर मंगल है तो भी वो मृत्यु कारक कष्ट देता है उसके परिहार के लिए ब्राह्मणों का अर्चन करना चाहिए आदर करना चाहिए ब्राह्मणों को बुलाओ उनको भोजन कराओ सत्कार करो उनका तो अशुभ फल जो होते हैं वो आपके खत्म हो जाते हैं और शुभ फल मिलते हैं अगर मंगल के आपने ऐसा किया मंगल में राहु की दशा हो चंद्रमा में राहु की दशा हो तो क्या होता है चंद्रमा में राहु की अंतर दशा हो तो इसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा बोला गया है बोला है दाय सादत्त रंधरस्ते व्यय व बल वर्जित स्थान भ्रंशो मनोदुखम पुत्र कलेशो महद भयम दशापति से या लगन से यदि राहु आठवें बारहवें भाव में हो तो स्थान हानि स्थान भ्रंशो मनोदुखम मन को दुख मानसिक दुख पुत्र क्लेशो महज भयम और भय महान भय होता है कभी स्त्री को कष्ट होता है दार पीड़ा वशते सवांगे रजो भयम कभी बिच्छू आदि का भय होता है और राजा का भय होता है और यदि राहु दूसरे सातवें स्थान में हो या उनके स्वामी के साथ हो तो मृत्यु का भय रहता है तो उसकी शांति के लिए रुद्री जप करना चाहिए या छागदान करने से देह में आरोग्यता की प्राप्ति होती है चंद्रमा में जुपिटर की दशा हो तो लगन या दशापति से यदि वह छह आठ बारह भाव में बैठा हो या बल रहित हो तो कुबोजन या देशांतर में गमन होता है दशा आरंभ में शुभ और अंत में क्लेश कारक होती है ऐसी दशा बहुत और लगन से दो सात स्थान में हो दूसरे सातवें स्थान में हो और मृत्यु का भय होता है इन दोनों के शमन के लिए देखिए जुपिटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जुपिटर का मैं आपको बताऊं शिव सहस्त्र नाम बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोषों दोषों के लिए शिव सहस्त्र नाम का जप करें सुवर्ण दान करना चाहिए ऐसा करने से समस्त कष्टों का निवारण होता है अगर ये बृहस्पति की स्थिति चंद्रमा की दशा में ऐसी है चंद्रमा की दशा हो और शनि की चंद्रमा की महादशा हो और शनि की अंतरदशा हो और शनि यदि महादशापति से या लगन से आठवें बारहवें भाव में हो नीच हो या तो उसकी अंतरदशा में प्रारंभ में पुण्य होता है तीर्थों में स्नान होता है परंतु अनेक जनों का भय एवं शस्त्रों से पीड़ा होती है यह दिया गया इसमें थोड़ा सा यहाँ डिफर कर दिया है इन्होंने कि शनि यदि दशापति और लगन से आठ बारह भाव में हो या नीच में हो तो प्रारंभ में तो थोड़ा पुण्य तीर्थों का में स्नान होगा आप गंगा नान में जाने जाएंगे या पुण्य तीर्थ में जाएंगे उनका दर्शन होगा परंतु अनेक जनों का भय एवं शस्त्रों से पीड़ा होती है और शनि यदि दूसरे सातवें आठवें भाव में आठवें भाव में तो दे ही दिया दूसरे सातवें भाव में हो या दूसरे सातवें भाव का स्वामी हो तो अपमृत्यु का कारक होता है ऐसे दोष के निवारण के लिए महामृत्युंजय का जाप काली गाय या महिषी का दान करने से आरोग्य शुभ फल की प्राप्ति होती है चंद्रमा में बुद्ध की अंतरदशा हो तो लगन और दशापति से बुद्ध यदि छह आठ बारह में हो यहाँ पर दशापति से छह आठ बारह और लगन से छह आठ बारह अपनी नीच राशि में हो तो उसकी अंतरदशा में शारीरिक कष्ट होता है कृषि कार्य में प्रॉब्लम होती है गौ भूमि आदि का नाश होता है बंधन होता है कारागृह में बंधन हो सकता है स्त्री पुत्र को कष्ट होता है और बुद्ध यदि सेकंड भाव का स्वामी हो या सप्तम भाव का स्वामी हो तो जातक को जड़ से पीड़ा हो सकती है और महान भय हो सकता है उसके शांत्यार्थ छापदान और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए बुद्ध के लिए विष्णु सहस्त्र नाम गुरु के लिए शिव सहस्त्र नाम दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये चंद्रमा में बुद्ध की अंतर्दशा का फल था सर दान क्या होता है बकरा बकरा होता तो है ना अच्छा। बकरे का दाना चंद्रमा में केतु की अंतर्दशा आगत है तो क्या होगा कहते हैं लगन या दशापति से यानी वही चंद्रमा से या दशापति लगन से आठ बारह भाव में केतु बैठा हो पाप ग्रह से युद्ध हो ग्रस्त हो तो उसकी अंतरदशा में शत्रु से कार्य का नाश एन अकस्मता कलह होती है और यदि वो दूसरे साथवे भाव में हो या उसके स्वामी के साथ हो केतु तो शरीर में रोग का भय रहता है ऐसा करने से आपको महामृत्युंजय का जप करना पड़ेगा शंकर भगवान की प्रसन्नता से ही शांति तथा सुख की प्राप्ति होगी अगर चंद्रमा में केतु की अंतरदशा है और केतु इस तरह से प्लेस्ड है <coughs> चंद्रमा में शुक्र की अंतरदशा है तो लगन और दशापति से यदि वो छह आठ बारे में है शुक्र पाप ग्रह से युद्ध है तो विदेश में वास दुख मृत्यु और चोर आदि से पीड़ा होती है और शुक्र यदि द्वितीय भाव का स्वामी हो या सप्तम भाव का स्वामी हो तो उसकी अंतरदशा में मृत्यु का भय होता है तो उसकी अंतरदशा देखते वक्त चंद्रमा में शुक्र की अंतरदशा चल रही हो तो ये आपको चेक कर लेना चाहिए कि शुक्र की प्लेसमेंट ऐसी तो नहीं है तो ऐसे केस में रुद्री पाठ श्वेत गाय या चांदी दान करने से शंकर भगवान की कृपा से शांति तथा सुख की प्राप्ति होती है चंद्रमा में सूर्य की अंतरदशा हो और सूर्य यदि लगन और दशापति से आठ बारह भाव में बैठा हो पाप ग्रह से युक्त हो तो क्या होता है चोर का भय होता है सर्प का भय होता है मतलब आपका एक्सीडेंट हो सकता है आपके घर में चोरी हो सकती है धन हानि हो सकती है आज तो चोरी के लिए पुराने जमाने में शास्त्रों में चोरी का वर्णन होता था पर आज के जमाने में तो लोग घर में कैमराज ये सब चीज लगा रखते हैं सिक्योरिटी का अंजाम होता है तो चोरी का मतलब आप ले सकते हैं कि धन का नाश हो सकता है सर्प का भेह मीन एक्सीडेंट हो सकता है ज्वरादि रोगों की उत्पत्ति हो सकती है आपको इधर उधर घूमने से पीड़ा हो सकती है और सूर्य यदि सेकंड भाव का स्वामी हो या सप्तम भाव का स्वामी हो तो उसकी अंतरदशा में मृत्यु कारक कष्ट होता है जिसके निवारणात तो श्री शंकर जी की पूजा करने पर शंकर जी की प्रसन्नता से शांति की प्राप्ति होती है ये था चंद्रमा में अच्छा इसमें आप अगर कहें तो हम चलते जाते हैं अब चंद्रमा में मंगल पे हम लोग आ जाते हैं इसमें क्या कहते हैं चंद्र में मंगल में बहुत इंपॉर्टेंट है ये कहते हैं मंगल में मंगल में हाँ, तो खत्म हुआ हाँ मंगल में मंगल की आ गई अब मंगल की महादशा में मंगल की अंतर्दशा हो तो क्या होता है तो मंगल की महादशा में मंगल की अंतरदशा हो और मंगल कहा हो अथा अष्टम व्यय यानी आठवे और बारहवें भाव में हो लगन से और दशापति से पाप द्रक संयुते एक, क्वेश्चन हाँ, पूछो पूछो सर यहाँ पे मान लो कि मेष लग्न है तो मंगल अष्टम ये आठ बारह लेकिन वो तो मंगल लग्नेश होकर आठवें भाव में है तो उसको उसका क्या परिहार होगा या उसको भी हाँ लग्नेश के, के लिए परिहार है लग्नेश के लिए परिहार है क्योंकि लग्नेश की मूल त्रिकोण राशि एक नंबर है जो वहां पर मेष लग्न में बैठी हुई है उसके लिए परिहान है लेकिन मंगल तो अगर अस्टाम, अस्टाम में है हाँ, है तो तो नंबर और और वैसे ही तो आ, का है। हाँ, और अपनी राशि में चला गया वहां तो वो तो चलेगा हाँ तो चलेगा तो उसमें कुछ नहीं है। अगर मंगल वैसे किसी की कुंडली में आठ नंबर राशि में बैठा हुआ है आठवें भाव में या बारहवें भाव में बैठा हुआ है लगन से या दशापति से पाप ग्रहों से युद्ध है तो इस तरह के रोग होते हैं मूत्र कच्छ रोग होता है यानी मूत्र कच्छ रोग होता है मतलब ये आपका एक गुप्त रोग टाइप के रोग होते हैं जो रोग होते हैं इन रोगों से कष्ट होता है घाव होता है एक्सीडेंट होता है राजा से पीड़ा होती है और मंगल यदि से, सेकंड भाव का स्वामी या सप्तमेश हो तो उसके दशा में शारीरिक कष्ट व मानसिक होते हैं तो उसकी शमन के लिए रुद्र का जप करना चाहिए दृश का दान करना चाहिए ऐसा करने से भगवान शंकर की प्रसन्नता से आरोग्य की प्राप्ति होती है और सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है संपत्ति का अभ्योदय होता है किसी की मंगल में राहु की दशा चल रही हो कुंडली में देखा आपने उसने देखा कि मंगल में राहु की अंतरदशा चल रही है और राहु लगन या दशापति से आठवें बारहवें भाव में हो पाप ग्रह से युद्ध हो द्रष्ट हो लगन और दशापति दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट देनी है आपने शुरू से मैं बोल रहा हूं उन दोनों से आपको देखना है तो उसकी अंतरदशा में जातक को चोर और सर्प और वर्ण का भय होता है चोर का भय का मतलब क्या हुआ कि धनहानि होगी सर्प का भय का मतलब क्या हुआ कि भाई कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है शस्त्रों के द्वारा पहुंचा सकता है या एक्सीडेंट हो सकता है व्रण का भय होता है चोट लगने का भय होता है पशुओं का विनाश हो सकता है पशु तो आपके घर में आज के डेट में नहीं होते पर वायु रोग आपको हो सकते हैं पित्तजन रोग हो सकते हैं आपको बंधन होता है आपको और यदि राहु द्वितीय या सप्तम भाव में हो या उनके साथ हो तो धन का नाश होता है महान भय होता है तो ऐसे में देव पूजा करनी चाहिए ब्राह्मण भोजन करना चाहिए मृत्युंजय का जप करना चाहिए ऐसा करने से दीर्घायु आरोग्य त्यागी प्राप्ति होती है मंगल में राहु की अंतर दशा में अगर राहु इस तरह से प्लेस्ड है मंगल में गुरु की दशा यदि गुरु लगन दशापति से छह आठ बारह भाव में हो गुरु लगन और दशापति से छ आठ बारह भाव में हो या नीच राशि में हो या अस्त हो तो पाप ग्रह से युद्ध हो द्रष्ट हो निर्बल हो तो उसकी उसकी दशा में क्या होगा वही जो मैंने आपको बताया कि धन हानि हो सकती है एक्सीडेंट का भय हो सकता है आपके बॉस से आपकी बिगड़ सकती है नौकरी से आप में आपको प्रॉब्लम हो सकती है पित्त संबंधी रोग आपको हो सकते हैं प्रेत बाधा आपको हो सकती है कहते हैं कि प्रेत बाधा यहाँ तो कितना मानते हैं आप लोग नहीं मानते लेकिन विलेजेस में तो अभी भी माना जाता है तो वो भी संभव है मंगल में गुरु की अंतरदशा हो और गुरु लग्न या दशापति से छह आठ बारह भाव में बैठा हो तो वो भी संभव होती है और गुरु द्वितीय या सप्तमेश हो तो अब मृत्यु का भय रहता है और ज्वर आदि रोगों से पीड़ा होती है तो ऐसे दोष के निवारण के लिए गुरु का मैंने आपको बताया कि शिव सहस्त्र नाम का पाठ कराएं घर के अंदर शांति हेतु तो उसको करवाने से आपके दोष की मुक्ति होगी किसी भी योग्य ब्राह्मण के द्वारा ये चीज अपने आप ना करें किसी योग्य ब्राह्मण से कराएं तो बहुत अच्छा है अगर अपने आप करना है तो या करें अदरवाइज किसी योग्य ब्राह्मण से कराएं जो बिल्कुल इसको उच्चारित करके सही तरीके से पाठ कर सके मंगल में शनि की अंतरदशा हो तब क्या होगा यदि शनि द्वितीय या सप्तमेश हो और पाप ग्रह से युत हो अगर शनि सेकंड भाव का स्वामी है या सातवें भाव का स्वामी है इसमें एक चीज यहां छोड़ दी है ये मैं आपको बता देता हूं कि मंगल में शनि यदि लगन या दशापति से आठवें बारहवें भाव में हो वो आपको जरूर लेना है देखिए आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि शुभ ग्रह अगर हो तो लगन और दशापति से छह आठ बारह पाप ग्रह हो तो लगन या दशापति से आठ बारह तो शनि यदि लगन और दशापति से आठ बारह भाव में हो जो बहनों पर लिखा हुआ है तो उसकी अंतरदशा में यवन राज से भय यवन राज से भय मीन्स के नौकरी से भय होता है आप नौकरी से निकाले जा सकते हैं मंगल में शनि की अंतरदशा में धन्य धान का नाश हो सकता है कारागृह में आपको जाना पड़ सकता है रोग भय होता है कृषि कार्य जो होते हैं क्योंकि शनि से हम कृषि कार्य भी देखते हैं एग्रीकल्चर कार्य हानि होती है शनि से स्टील का कार्य भी देखते हैं तो स्टील के कार्य में हानि होती है ऑयल का कार्य देखते हैं तो ऑयल के कार्य में हानि होती है जो भी कार्य आप करते हैं और मंगल में शनि शनि यदि द्वितीय या सप्तमेश हो तो उसकी अंतर्दशा में जातक को महाभय धन नाश राजकोप मानसिक व्यथा इस तरह की सारी पीड़ाएं होती हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है मंगल में शनि की अंतर्दशा को देखना कि शनि किस तरह से प्लेस्ड है कि वो शनि सेकंड लॉर्ड तो नहीं सेवंथ लॉर्ड तो नहीं या शनि दशापति या लगन से आठ बारह भाव में तो ऐसे अनिष्ट समन के लिए महामृत्युंजय का जब ही आपको करना पड़ेगा एक लाख पैंतीस हजार एक लाख पच्चीस हजार प्लस टेन परसेंट या मिनिमम पैंतीस हजार का आपको जब करना पड़ेगा अगर मंगल में शनि की अंतरदशा में शनि इस, इस तरह से प्लेस्ट है इसके बाद हवन भी करना पड़ेगा ना सर इनके वो, तो, के वो तो बिल्कुल पक्का है हवन तो आपको करना ही है अच्छा अच्छा हवन तो आपने करना ही है तो अब जो है मंगल में बुद्ध पर, पर आप... कुछ जगह ऐसा भी बताया है कि हवन नहीं कर रहे तो आपने की कुछ संख्या दस परसेंट जो है तो वो तो कुछ जगह नहीं वो तो हमने ही बताया आपको यहाँ पर बताया है कि दस परसेंट अगर आप बढ़ा देते हैं तो फिर आप दो तीन माला का हवन कर लीजिए फिर आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है अच्छा ठीक है ना तो अगर आप हवन करने से थोड़ा सा ये लग रहा है आपको तो उस केस में दस एक्स्ट्रा कर लीजिए मंत्र जो जाप है और हवन जो है वो दो तीन माला का कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हवन करना आवश्यक होता है हवन छोड़ा नहीं चाहिए करिए जरूर अच्छा मंगल में बुद्ध की अंतरदशा हो बुद्ध यदि नीच राशि में हो लगन दशापति से छह आठ बारह में हो वही चीज है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है आप और बुद्ध यदि सेकंड भाव का स्वामी हो सप्तम भाव का स्वामी हो तो बुद्ध के लिए पकड़ लीजिए विष्णु सहस्त्र गुरु के लिए पकड़ लीजिए शिव सहस्त्र ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनको पकड़ के रखिए अगर ये बताया गया आप तो इससे बढ़िया नहीं होता इसका पाठ करने से सर्वारिष्ठ की शांति होती है सुख संपत्ति बढ़ती है घर के अंदर मंगल में केतु की दशा हो और केतु यदि लगन से या महादशा स्वामी से आठवें बारहवें भाव में हो केतु यदि लगन से या महादशा स्वामी से आठवें बारहवें भाव में हो तो केतु की अंतरदशा में कलह होती है दांत का रोग होता है पीड़ा होती है आप लोग म्यूट कर लीजिए म्यूट भाई कर लीजिए आवाज आ रही है सब लोग म्यूट कर लीजिए ज्वर होता है अतिसार की प्रॉब्लम होती है कुष्ठ आदि रोग होते हैं और स्त्री पुत्र को पीड़ा होती है यदि केतु महादशा स्वामी या लगन से आठवें बारहवें भाव में स्थित हो और केतु लगन से दूसरे या सप्तम भाव में हो या उनके स्वामी के साथ स्थित हो तो शरीर में व्याधि होती है मानसिक संताप होता है और धन धान की हानि होती है अप्रत्यु कष्ट होता है तो ऐसे में क्या करना चाहिए मंगल में केतु के लिए आपको अच्छा मैंने ये जो मंगल में बुद्ध का आपको बताया था उसके अंदर विष्णु सहस्त्र का पाठ के साथ साथ अश्वदान भी दिखा गया है कि आप घोड़े का भी दान कर सकते हैं अश्वदान भी कर सकते हैं मंगल में केतु का जो दिया हुआ है उसके अंदर इन्होंने ये दिया है वही कि महामृत्युंजय जब करना है एक लाख पच्चीस हजार प्लस टेन परसेंट या पैंतीस हजार मिनिमम आपको जब करना है या दान करना है मंगल में अगर केतु की अंतरदशा है आप मंगल में बुद्ध शुक्र की अंतरदशा अगर आपकी है और लगन या दशापति से शुक्र छठे आठवें बारहवें भाव में बैठा है तो उसकी अंतरदशा में आपको इस तरह की पीड़ा होती है अतिसार होता है कुष्ठ आदि रोग होने का भय रहता है है स्किन एलर्जी हो जाती दांतों की प्रॉब्लम हो जाती है, है स्त्री पुत्र को पीड़ा होती है संतान को समस्या होती है पत्नी से वैवाहिक जीवन में संबंध में प्रॉब्लम आती है शुक्र की अंतरदशा हो और शुक्र छह आठ बारह भाव में बैठा हो और लगन से अगर दो स्थान में सातवें स्थान में हो द्वितीय से सप्तमेश हो तो भी प्रॉब्लम होती है जातक को शारीरिक कष्ट होता है तो उस केस के लिए गौ का या महिषी का दान करना चाहिए ऐसा करने से आयु एवं आरोग्यता की वृद्धि होती है मंगल में सूर्य की अंतरदशा हो और लगन या दशापति से सूर्य आठवें बारहवें भाव में बैठा हो पाप ग्रह से युक्त हो तो उसकी अंतरदशा में शरीर में पीड़ा होती है मानसिक संताप होता है कार्य का नाश होता है मान भय रहता है मस्तक में रोग रहता है ज्वर में ज्वर होता है अतिसार की पीड़ा होती है मतलब कितनी सारी चीजें होती हैं कि आपको मानसिक परेशानी भी हो गई आपको शारीरिक कष्ट भी हो गया आपको हेल्थ इश्यूज भी रहेंगे आपका जो भी कार्य आप करने जाएंगे वो कार्य आपके नहीं बन पाएंगे आपको हमेशा एक डर लगा रहेगा आपको बीमारी हो सकती है तो ये सब चीजें मंगल में सूर्य की अंतर दशा में हो सकती हैं यदि सूर्य है आपका लगन या दशापति से आठवें बारहवें भाव में हो और सूर्य यदि द्वितीय या सप्तमेश हो तो सांप ज्वर विष्का भय एवं पुत्र को पीड़ा होती है तो ऐसे में शास्त्रों के अनुसार सूर्य की आराधना करने पर शरीर में आरोग्यता और धन धान्य का लाभ होता है आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना होता है वो पाठ भी योग्य ब्राह्मण के द्वारा आप कराइए सूर्य की आराधना कीजिए उससे हंड्रेड परसेंट लाभ होता है अगर मंगल में सूर्य की अंतरदशा है मंगल में चंद्रमा की अंतरदशा अगर हो। मंगल में चंद्रमा की अंतरदशा में बोला गया है नीचा रिस्थे अष्ट में सष्टे दायशा शा के मरणम दार पुत्रा कष्ट भूमि विनाशनम यानी चंद्रमा नीच राशि में हो शत्रु राशि में हो या लग्न या दशापति से छह आठ बारह भाव में हो तो उसकी अंतर दशा में मरण होता है स्त्री पुत्रों का कष्ट होता है भूमि का नाश होता है पशुओं का नाश होता है चोर और युद्ध का भय होता है लड़ाई झगड़े हो सकते हैं आपके प्रॉब्लम हो सकती है मुकदमे हो सकते हैं कोर्ट केसेस हो सकते हैं इस तरह की प्रॉब्लम होती है द्वितीय दुन्नाते तु हाप मृत्यु भविष्यति देहे जाड्यम मनो दुखम दुर्गा लक्ष्मी जपम चरेत चंद्रमा द्वितीयेश या सप्तमेश हो तो मृत्यु का भय होता है शारीरिक कष्ट होता है मानसिक शांति मानसिक दुख होता है तो उसकी शांति के लिए उन्होंने बोला है श्वेता गो महिषी दुर्गा लक्ष्मी जपम चरेत यानी गाय का दान करें भैंस का दान करें या शांति के लिए श्री दुर्गा और श्री लक्ष्मी जी का जाप करें तो आपको शांति प्रदान होगी और हर तरह की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी अगर ये मंगल में चंद्रमा की अंतरदशा है तो इस तरीके से आज हम लोगों ने तीन पढ़ी फिर नेक्स्ट क्लास में थोड़ा जल्दी भी है तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग बाकी की दशाएं अंतरदशाएं जब ये अंतरदशाएं खत्म होंगी तो उसके बाद हम लोग फिर रुद्राक्ष पे आएंगे फिर डिफरेंट क्वेश्चनर्स पे आएंगे सब चीजें बताएंगे आपको और यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लग, पूछ सकते हैं ऐसा कोई वैसे प्रॉब्लम वाली इसमें कोई चीज है नहीं सर एक चीज पूछनी थी सर ये आपने पहले बताया था कि जब दान जो है अपने कर्ज लेके नहीं करना जी? कोई दान अगर आप करते दान कोई आपने किसी से ऋण लेके नहीं करना आपके हाँ। जो है उसमें से करना है अभी हाँ। आज जो ये बताए हैं ये तो सिर्फ जो मीडियम क्लास या गरीब आज उसके लिए तो ये पॉसिबल नहीं क्योंकि कोई भी लाख से नीचे का नहीं है सवा लाख से नहीं 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 तो गाय गाय भी एक सवा लाख रुपए की बात सर भैंस भी तो, लाख रुपए की एकता आती है देखिए ऐसा है इसके लिए बोला गया ऑलरेडी पहले ही बोल दिया गया है कि अगर आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो तो आप मंत्र कीजिए जब कीजिए दान कीजिए बस और क्या वो जो पीछे बताएं वो, पीछे, बताए वो करने हैं आपको वो तो श्लोक के अंदर शुरू में दे दिया इन्होंने शास्त्र में सब चीज है अरे श्रीकांत जी नमस्कार आप आए हुए हैं क्लास में राधे राधे प्रभु राधे राधे प्रभु राधे राधे आप कुछ कहना चाहते हैं बताएं कुछ मतलब और कोई ऐसी चीज बताना चाहते हैं मंत्रों के बारे में दान के बारे में या कुछ मतलब ऐसा है कि अगर सबसे सबसे पहले तो आप जो बताए हैं कि अगर अनिवार्य है तो आप अगर मंत्र का जाप कर लेते हैं तो दान या पूजा की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है क्योंकि किसी भी चीज को जड़ से खत्म करना जाप का ही महत्व तो दिया गया है किसी भी मंत्र का जिस भी ग्रहों का हो या देवताओं का हो तो हमें सबसे बढ़िया पाठ या जाप ही है दूसरा ऑप्शन जो लोग नहीं कर पाते वो दूसरे से कराते हैं और दान करते हैं जिनके पास टाइम नहीं है या वो कर नहीं सकते पढ़ नहीं सकते हैं तो उनके लिए बाकी अगर स्वयं आप करते हो तो उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं और किसी का प्रश्न कोई अनुपम समझ में आया सारा जी सर हाँ आप बता दोगे ना किसी को रेमेडी ये वाली जो दशा अंतरदशा देख के सर अभी तो नहीं अभी तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा पड़ेगा याद करना हाँ थोड़ा पढ़ पढ़ लेना इसको सब चीजों को ठीक से बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्योंकि ये यही होती है सारी चीजें जो मेन होती हैं बाकी सब तो आप धीरे धीरे करके बता लोगे कि साहब ये प्रॉब्लम है आपको ये प्रॉब्लम है आपको वो कहता है जी प्रॉब्लम तो है लेकिन ये तो बताओ ना कि इसका उपाय क्या है क्या करना क्या है आगे? हाँ पत्री तो, में सबसे बड़ा जो है पत्री देखना बहुत बड़ी बात नहीं उसका हाँ, उपाय जो है ना कि, उ, किस ग्रहों का कैसे आप उपाय बताते हैं और सामने वाले का भला कैसे कर सकते हैं आप सबसे बड़ी दिक्कत यह है पत्री देखना कोई बड़ी बात नहीं पढ़ना भी नहीं लेकिन उनका उपाय जो आप अगर करते हो तो आपकी मार्केट में वैल्यू तब बढ़ती है जब लोगों का काम करोगे और होगा तो आप जब बताओगे उपाय उनका काम होगा तभी आपका नाम होगा तो सबसे बड़ी है। बात है है देखना नहीं है, काम हो। है। अच्छा रितु जी आपको समझ में आया सारा जी सर अच्छा का कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक नहीं सर अभी तो ठीक है अभी ठीक है तो आज हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं नेक्स्ट संडे मिलेंगे आगे की दशाएं पढ़ेंगे और कहीं कोई क्वेश्चन होंगे तो मैं बीच में अच्छा एक चीज आप करते रहिएगा मैंने आप लोगों को बताया है कि वैसे तो नॉर्मली हम लोग चाहेंगे कि आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाए मतलब आ, मैंने इतने सारे प्रश्न बना लिए हैं कि आपको शायद कोई चीज की जरूरत ना पड़े पूछने में लेकिन फिर भी आपके दिमाग में कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो उसको नोट कर लीजिए बल्कि मैं श्यामल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसका कोऑर्डिनेट करिए कोई भी क्वेश्चन कोई पूछता है मतलब अभी अः एकाध क्लास और होने दीजिए उसके बाद कि जैसे कोई पूछता है जी मेरा जॉब खराब चल रहा है जी मुझे क्या करना चाहिए मेरा बिजनेस खराब चल रहा है मुझे क्या करना चाहिए मेरा ये खराब चल रहा है मुझे क्या करना चाहिए किसी के दिमाग में कोई भी प्रश्न आता है तो वो एक जगह लिख के मेल कर दें उस मेल से श्यामल जी के पास और वो मेल हमारे पास आ जाएगी तो हम उन क्वेश्चन का जवाब बना के रखेंगे हो सकता है कि हमने ऑलरेडी जवाब बना के रख लिया सब चीजों पर वैसे तो हमने कोई चीज छोड़ी नहीं है इसके अंदर बट फिर भी आपके मन में जो प्रश्न हो उनको कहीं लिखते रहिए आंसर मिल गया तो कट कर दीजिए नहीं मिला तो श्यामल जी को भेज दीजिए ये इकट्ठा कर लेंगे इकट्ठा करके मुझे भेज देंगे फिर मैं प्रश्नों का उत्तर आपको दे, दे दूंगा ठीक है आप लोगों को दिक्कत तो नहीं कोई नहीं सर हाँ तो वो आप कर सकते हैं चलिए आज के लिए इतना करते हैं नमस्कार जय श्री कृष्णा राधे राधे कृष्ण जय श्री कृष्ण सर जय श्री कृष्ण